भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक का समापन महाराष्ट्र मंडल सेक्टर 4 में हुआ। बैठक में विभिन्न जिलों से आए संघ के पदाधिकारियों ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। बैठक में संघ को मजबूत बनाने, कर्मचारियों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण, प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। प्रदेश स्तरीय बैठक में बीएसपी की मान्यता प्राप्त यूनियन बीएमएस के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू को ठेका प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। बैठक की जानकारी प्रदेश पदाधिकारियों ने दी। बड़े कर्मचारी और मजदूर संगठन है और देश के सबसे बड़े कर्मचारी मजदूर संगठन के नाते हमारी मजदूरों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर ये कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस कार्य समिति की बैठक में हम एक बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश भर में हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का आंदोलन चल रहा था, संगठित क्षेत्र के मजदूरों का आंदोलन चल रहा था। अब उनका एक सामूहिक स्वरूप हम रायपुर में एक बड़े मेगा शो, भारतीय मजदूर संघ का एक मेगा शो हम 22 फरवरी को करने जा रहे हैं। उसी की तैयारी की दृष्टि से ये हमारी दो दिन की बैठक है। आज कुछ विषय आए हैं, कुछ विषय कल आएंगे। आज जो प्रमुख रूप से विषय आए हैं उनमें ये कि भिलाई इस्पात संयंत्र के मजदूरों का वेज रिवीजन लंबित है, वो वेज रिवीजन जल्दी से जल्दी पूरा हो, उस विषय पर भी विचार और चर्चा और आंदोलन की रूपरेखा रणनीति बनी है। ठेका की बड़े मात्रा में ठेका के मजदूर काम करते हैं, ठेका के मजदूरों के बीच हमारा काम नहीं है, ज़्यादा काम नहीं है। तो आज की बैठक में ये भी निर्णय हुआ है कि हमारी जो ठेका की यूनियन है भिलाई इस्पात मजदूर, हमारी जो परमानेंट मजदूरों की यूनियन है भिलाई इस्पात मजदूर संघ, यही ठेका मजदूरों का काम करेगी और कार्यकारी अध्यक्ष भाई चन्ना केशवलू जी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आपके निर्माणी मजदूर, मितानिन, इन तमाम लोगों को लेकर के, बालकों का संगठित क्षेत्र, इन तमाम विषयों को लेकर के व्यापक चर्चा विचार विमर्श हुआ है और हम एक बड़े आंदोलन की ओर। बहिष्कार क्यों करेंगे, सबक सिखाया जाएगा। भूपेश बघेल सत्ता में आने के लिए कहा कि आंगनबाड़ी को हम न्यूनतम वेतन देंगे, मध्याह्न भोजन को न्यूनतम वेतन देंगे, प्लेसमेंट, संविदा, डेली वेजेस के कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे, तमाम तरह के इन्होंने वायदे किए थे। हम बहिष्कार क्यों करेंगे, हम इनको सबक सिखाएंगे चुनाव में। भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश का हमने दो दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक भिलाई में आयोजित किए हैं और इसमें हमारी बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से, संगठित क्षेत्र से और असंगठित क्षेत्र से, दोनों क्षेत्रों से हमारे पदाधिकारी बैठक में सम्मिलित हुए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज गंभीर चर्चा हुई और कल भी होगी। और हम लोग एक बड़ा निर्णय आज इसमें प्रस्ताव पारित किया है कि आने वाले समय में फरवरी में विधानसभा सत्र जब आयोजित होने वाली है, उसमें हम लोग एक बड़ा विधानसभा में प्रदर्शन करने जा रहे हैं 25,000 की संख्या के हिसाब से। इसमें हमारे प्रमुख मांगे हैं मध्याह्न भोजन है, मितानिन है, आंगनबाड़ी है, उनको जो सामाजिक सुरक्षा जो नहीं मिल पा रही है और उनको हम लोगों ने नियमितीकरण की मांग भी किया गया है। सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए हमने मांग सरकार से बार बार किया और अभी भी उनके द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। साथ में हमारे जो पब्लिक सेक्टर हैं जो निजीकरण की ओर जा रहे हैं, उसके विरोध में भी हम लोग लगातार प्रदर्शन किए और आने वाले समय में भी हम लोग उसका पूर्ण विरोध करते हैं निजीकरण का। और यह मामला सिर्फ प्रदेश का ही नहीं है, हम केंद्र से भी मांग करते हैं कि पब्लिक सेक्टर को निजीकरण में जाने से रोकें।